गाइस काजूलाल ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि पानी जा रहा हुआ है पूरा नहर में और इस वक्त किसी का खेत भरा जा रहा है, तो इतना अच्छा पानी जा रहा था। तो देखने के बाद मन किया कि थोड़ा बैठ जाते हैं और नहाने का भी मन किया, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ कि अभी तो मैं फ़िलहाल में बाहरी में हूँ जहाँ पे मैंने कुछ लाया भी नहीं है, जैसे कि गमछा, शैम्पू, साबुन ऐसा कुछ लाया नहीं है जिससे मैं नहा सकूँ। और बिना साबुन शैम्पू के मैं नहाता नहीं, और इतना पानी अच्छा देखने के बाद मेरा मन किया कि मैं 5 से 10 मिनट इसके अंदर बैठूँ। देख सकते हैं गाइस मैंने अपना पैर डाल करके बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि कहने का बात नहीं। और गाइस मैं आपको बता दूँ ऐसा मज़ा केवल गाँव में ही ले पाते हैं लोग, शहरों में कहाँ ले पाते हैं। शहरों में तो केवल शावर से नहाना पड़ता है या फिर बाल्टी और मग्घे से नहाना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसे नहर यानी कि आप 10 से 15 लोग बैठ करके आराम से नहा सकते हैं, या लोटे से या फिर मग्घा से। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ पानी है, ये देखिए देख रहे हैं गाइस। इसके आगे गाइस आरओ फेल है, देख सकते हैं एकदम आरओ इसके आगे फेल है। देखिए गाइस बिल्कुल साफ़ पानी है, ये ट्यूबवेल का पानी है जो इतना मोटा मोटा धार निकलता है, इतना मोटा पानी निकलता है उसी का पानी है गाइस। अगर उसका पानी नहीं होता इतना जो भर के आ रहा है इतना भर के नहीं आ पाता। और मैं बहुत दूर से आ रहा है गाइस, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है और इधर आगे 2 किलोमीटर दूर जा रहा है, देख रहे हैं गाइस। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर थोड़ा चौड़ा है और आगे जाने के बाद और ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर तो लोग कोई सो जाएगा तो पानी उधर का उधर रुक जाएगा और इधर का इधर रुक जाएगा, पानी पास हो नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि सोने की वजह से पूरा नहर जो है वो भर जाएगा। लेकिन गाइस आगे इतना चौड़ा है कि वो आराम से व्यक्ति सो सकता है और सोने के बाद शैम्पू लगाकर सो जाएगा और बहुत ही ठंडा बहुत आनंद मिलेगा। और इतना ठंडा पानी गाइस यहाँ से बता नहीं सकते, हालाँकि मुझे इस वक्त थोड़ा ठंडा लग रहा है लेकिन गाइस मैं निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब जब ऐसा पानी जाता है तब तब मैं सोचता हूँ कि बैठा रहूँ। पानी का जो मुझे आनंद मिलता है गाइस, मैं कहीं भी जाता हूँ तो फुल मस्ती, मेरा जो मन करता है मैं वैसे करता हूँ, खास करके जब जब मैं घूमने के लिए निकलता हूँ। देख रहे हैं गाइस यहाँ का एरिया देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े का भी नहाएगा तो भी कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इधर भी कोई नहीं है और मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको उधर भी कोई नहीं है, यानी कि चारों तरफ कोई नहीं है। देख रहे हैं गाइस कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, इसलिए गाइस कोई भी ये नहा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह पे जब से 2 से 3 लोग नहीं रहेंगे नहाने के लिए तब तक मज़ा नहीं आएगा। और इतना अच्छा खूबसूरत जगह है, देख सकते हैं ये बेल का पेड़ है और ये बहुत ज़्यादा छाया है, और पीछे देख सकते हैं बागीचा है, चारों तरफ बागीचा और बीच में ये पानी जा रहा है वो भी इतना साफ। और यहाँ पे कोई नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जो देख रेख कर रहा है कि कहीं से खुला तो नहीं है, बस वो एक बार देख करके चला गया फिर उसके बाद आया ही नहीं। यहाँ पे केवल मैं ही हूँ, देख सकते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, देखते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ अगर आपके भी गाँव में ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।